हेलो दोस्तों, प्रणाम। किताब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी अच्छे हैं। अभी 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। विष्णु भगवान आप सभी के ऊपर कृपा रखे, बने और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तो आज जानेंगे नारी, नारी की जो अपना भविष्य है वो किस तरह लुटा देते हैं अपना घर परिवार के ऊपर। दोस्तों, बहुत से महिलाएं हैं जो बोलते हैं मैं खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी तो नरक ही बन गई है। तो पहले इस तरह के काम होते रहते थे कि लड़का लड़की देखा होगा नहीं है, ज़्यादा जान पहचान नहीं है, बस अच्छा घर मिले, अच्छा रिश्ते मिले, शादी कर देते हैं, बाकी बाद में उन लोग खुशी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल दुनिया शिक्षित तो हो गया है, सब जान पास के पहचान करके अपने खुद पसंद करके शादी कर लेते हैं। लेकिन सुख अपना घर में जो सुख होता है वो पति पत्नी के बीच में ही होता है, बाकी उसमें दूसरा कोई आए के उसमें आए के जाए के जैसे 2 इंसान है उसके बीच में कोई तीसरा आएगा तो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो कोशिश करें 2 जिंदगी में तीसरा कोई ना आए और पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है वो अच्छा से बनाए रखे। बहुत से आदमी लोग होता है शादी हुआ घर में ले आए, 3 वक्त के खाना दे रहे हैं, साल में 2000 कपड़ा दे रहे हैं, हो गया घर करना। ऐसे क्या घर करना है भाई? अगर शादी करे है और रस्मों के रिवाज के साथ शादी करके उसको घर लाए हो तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि उसकी ख्याल रखा जाए। वो बेचारी अपनी माँ बाप परिवार सब को छोड़ के आपके गले में आके लटक गया है। अब आप जिस हालत में उसको रखेंगे वो उसी हालत में रखे। अगर आप उसके साथ बुरा बर्ताव कर लेंगे तो 1 बार 2 बार सहे कि बाद में जाए कोई खुद आपके ऊपर जवाब देंगे। और बाकी आजकल तो फैशन दुनिया हो गया है, आजकल साड़ी नहीं पहनते कोई, सब अपना अपना डिजाइन हो गया, टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। आजकल कोई उतना नहीं मानते, पहले जैसे घूंघट उड़ के साड़ी पहन के घूमो, जेठ के सामने ना जाए, जेठ को ना सुए। आजकल तो जेठ के पास बैठ के ही पैंट शर्ट पहन के बैठ के बातें करते, काहे का घूंघट, काहे का रिवाज, ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ नियम भी है, अपना नियम भी मान के चलना चाहिए। दुनिया आगे बढ़ रही, शिक्षित हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं, कुछ रिश्ता भी होता है उसको भी मानना चाहिए। और जैसे पत्नी का भी थोड़ा ख्याल रखिए, आपका पत्नी है जो आप जिस हालत में रखोगे। देखना जो औरत अपने पति के साथ खुश रहते हैं, दोनों मिलजुल के रहते हैं, वो औरत का सूरत देखना बहुत खूबसूरत होता है। वो हंसी खुशी रहते हैं, सबसे अच्छा से बात करते हैं, उसको देख के पता चलते उसके ज़िंदगी में बहुत प्यार है, बहुत मानवता है, उसी के साथ वो रहते हैं अपना घर परिवार में। और जो औरत देखना गुस्सा करते हैं, खुशी नहीं रहते हैं, कितना भी लाओ उसमें उसका मन नहीं भटते है, कितना सोना चांदी जेवर दो, कपड़ा दो, कितना पैसा उसके ऊपर खर्चा करो, लेकिन उसके दिल अगर खुश नहीं होगा तो कोई भी चीज़ से उसका मन कभी नहीं बहलता है और वो हमेशा बीमारी रहता है। क्योंकि उसका दिल है ना, वो दिल एकदम जो दिल है ना टूट के एकदम बिखार गया। और उसमें आपके खुशी हिसाब से उसको रख सकते हैं। अगर आप उसकी खुशी में शामिल होते हैं, आपको देखना चाहिए वो किस चीज़ में खुशी मिलता है, उसको वैसे करना चाहिए। अगर उसको घूमना फिरना हो, कुछ लेना हो, अपना मन से जो चाहते हैं उसको आप पूरा करें तो हो सकता है जो वो खुश होते हैं, अपना दिल को थोड़ा बहला लेते हैं, नहीं मेरे थोड़ा ध्यान रखते हैं, मैं खुद नसीब हूँ, मेरे कोई ध्यान रखने वाला है। लेकिन ऐसे ही पड़े रहेगा, खाओ दाओ फिरो घूमो, तो उसके मन तो ऐसे ही मरा हुआ है। अब बाद में क्या होता है, उसको तो दुनिया में रहने का भी मन नहीं होता है। कुछ लोग होता है नहीं ये दुनिया छोड़ के ही जाना है मेरे को, दुनिया में कुछ है नहीं। कुछ लोग ऐसे होता है जिसकी पृथ्वी में रहने के लिए उसका ना मन रहते हैं ना तन रहते हैं,
सब चीज में इसका झंझट रखते हैं, बात बात में चिड़चिड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, अपना सिर दर्द होता है तो ये किसी को बता नहीं सकते, घर में घुट घुट के मरते हैं, वही फिर लास्ट में जाके खुदकुशी कर लेते हैं। परिवार में भी थोड़ा हिसाब से रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए हर एक चीज़ को, बस औरत को नहीं हर एक इंसान के, थोड़ा खिदमत भी करना चाहिए, उसका देखभाल भी करना चाहिए, प्यार से रहिए घर परिवार में। आजकल पैसा कौड़ी में कुछ नहीं होता है, सबसे मोन इम्पोर्टेंट चीज़ है दिल। अगर दिल को अगर अपना सबसे प्यार से रखोगी तब तो जाके घर परिवार में प्यार रहते हैं, नहीं तो अब कितना पैसा कमाने, पैसा में जिंदगी नहीं होता है, पैसा लेके ऊपर नहीं जाओगे, अकेला खुद आए थे अकेला खुद ही जाओगे, सब ऐसे ही छोड़ के। आज यहाँ करोड़पति हो, इस जन्म के बाद जाके पता नहीं किस गरीब घर में जन्म होएगा कि अमीर घर में होगा, किसको क्या पता। जितना दिन जिंदगी है प्यार से आराम से खाए।